Hello guys, and welcome back to our channel Sirf IAS. तो एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि रशिया ने डील करी है डॉक्टर रेडी कंपनी के साथ में कि स्पुटनिक 5 जो उनकी है जो कोविड 19 की वैक्सीन है वो इंडिया में आएगी। देखिए पूरी खबर जानते हैं, अब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा प्रॉपर कि कितनी डोजेस कब तक आएंगी, कैसे कैसे क्या प्रोसीजर रहेगा। देखिए यहाँ पे देखिए रशियन सोवेरियन वेल्थ फंड पार्टनर्स ने यहाँ पे पार्टनरशिप कर ली है डॉक्टर रेडी के लिए, इसके साथ में मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में ट्रायल्स के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्पुटनिक 5 वैक्सीन का हमारे इंडिया में। तो प्रोसीजर जानते हैं, तो रशियन सोवेरियन वेल्थ ने वेडनेसडे को मतलब आज की ही दिन ये बात कही है, अग्रीमेंट करा है इंडियन फार्मास्यूटिकल के साथ में कि भैया ये जो डॉक्टर रेड्डी की लेबोरेटरीज हैं इनके साथ कोऑपरेट करके क्लिनिकल ट्रायल सबसे पहले होंगे। क्यों? क्योंकि भाई रशिया की जो वैक्सीन है, जो रशिया के जो लोग हैं उनकी इम्यूनिटी का सीन अलग होता है, हमारे यहाँ की टेम्परेचर वेदर सब कुछ अलग है ना, हमारे यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, तो हमारे यहाँ के लोगों का जो है इम्यून सिस्टम अलग है, तो इस वजह से क्लिनिकल ट्रायल होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो ट्रायल होंगे और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा कोविड 19 की वैक्सीन स्पुटनिक 5 का हमारे इंडिया में। अब देखिए रेगुलेटरी अप्रूवल लगेगा इंडिया में। RDIF, RDIF कौन है? रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, जो ये एक रशियन सोवेरियन वेल्थ फंड है ना, ये यहाँ पे सप्लाई करेगा डॉक्टर रेड्डी को करीब 100 मिलियन डोजेस देगा वैक्सीन की, कोविड 19 की वैक्सीन की। तो ये बात कही गई है। आगे बात करें तो डॉक्टर रेड्डी की जो लेबोरेटरीज हैं इंडिया में ये क्या हैं, अगर आपको ये है कि आखिरकार ये डॉक्टर रेड्डी क्या है, तो ये लेबोरेटरीज हमारे इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि आपको हैदराबाद तेलंगाना में मिलेगी इंडिया के अंदर, और इन्होंने और आपका RDIF ने है ना, मतलब रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने अग्री करा है कि हम क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे जो कि मैंने आपको बताया। डिलीवरीज कब तक होंगी? तो ये ऐसा कह रहे हैं कि मे बी ये पोटेंशियली लेट 2020s में, ये आप लेट क्या आप यही समझ लो सीधा सीधा कि दिसंबर तक यहाँ पे मिलने के चांसेस हैं। जैसे कि जैसे ही यहाँ पे ट्रायल सक्सेसफुल रहेंगे हमारी इंडियन जनता के ऊपर, इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर, तो सेम उसी के बाद ही यहाँ पे डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी। और रजिस्ट्रेशन जो वैक्सीन का है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे ही कर देगी, रजिस्टर कर लेगी प्रॉपर तरीके से, तो उसके बाद डिलीवरी शुरू हो जाएंगी। और ये स्पुटनिक 5 के बारे में मैंने सब कुछ आपको बताया ही है कि क्या है क्या नहीं है इसके अंदर। तो ये बेस्ड है ह्यूमन एडेनोवायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पे, ये अभी क्लिनिकल ट्रायल्स के हो गए हैं, मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि ये जो वैक्सीन रशिया ने बनाई है इसका थर्ड फेज बचा हुआ था, सेकेंड फेज के बाद ही इन्होंने लॉन्च कर दी थी, तो इसके अभी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। तो बस ये न्यूज़ थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और अभी आई थी, तो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस न्यूज़ को, लाइक करें चैनल की वीडियो को और सब्सक्राइब करें अपने खुद के चैनल सिर्फ IAS को। बाकी आप ज्वाइन बटन प्रेस करके मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप इस बात से कितना ज़्यादा खुश हैं। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।